इसका दाना है, ये बना रखा है पूरा दाना। जैसे हमारे घरों में एक्वेरियम होते हैं उसी प्रकार का ये खाना बनाया गया इनके निकालने के लिए और मच्छर निकालने के लिए ये बनाया गया है। आजकल तो इसमें थोड़ा सब्सिडी भी दी जा रही है ना, गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है। ऊपर आ रही है मछली खाने के लिए, रुको। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय रोमला ब्लॉग्स। तो आजकल रेनी डे है, बरसात भी हो रही है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए थोड़ा घूमना ही पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है। पर फिलहाल आज का ब्लॉग नहीं आ रहे, तो ऐसे वैसे कुछ डाल दे रहा हूँ। और साथ में लैंडस्लाइड बहुत हो रही है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो बाहर जाना मुश्किल हो जा रहा है, तो ब्लॉग नहीं बन पा रहे। तो थोड़ा आजकल मैं 2-4 दिन रूटीन वीडियो डालूंगा, जो मैं डेली काम करता हूँ और साथ में जो भी चीज़ें करता हूँ वो सारे मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे साथ पीछे हैं दीना गुरु, बहुत ही अच्छे हमारे सहकर्मी हैं साथ में। और तो अभी स्कूल आ रखा हूँ, तो स्कूल का टाइम है, तो इंटरवल का टाइम है। फिलहाल हम यहाँ पर चाय बना रहे हैं, फिर उसके बाद क्लासेस पढ़ाऊँगा, उसके बाद घर जाएंगे। तो बारिश की वजह से थोड़ा रास्ता भी ख़राब है, तो ब्लॉग नहीं बन पा रहे। जैसे जाते हैं ट्रैवलिंग वीडियो बनते हैं मेरी, और सारे मंदिर के वीडियो बनते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ नीचे की साइड एक वो बना हुआ है, मछली पालन का व्यवसाय चल रहा है, तो काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। दिखाते हैं आपको, थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं उसके बारे में, मछली पालन किस प्रकार से किया जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था जब ये बन रहा था, उस टाइम का वीडियो भी है, तो किस प्रकार बन रहा था वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर रखी हैं। तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो मछली पालन पर। तो काफ़ी अच्छा बेहतरीन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रखा है वो काफ़ी अच्छा बना रखा है। बरसात का टाइम है, बरसात के टाइम में थोड़ा दिक्कत हो रही है इनकी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ये, तो 9 यहाँ पे बनाए गए हैं। ये चैम्बर बनाए गए हैं अलग से पूरे। अगर अभी तक आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, जब इसका निर्माण हो रहा था यहाँ पे, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसका पूरा जो प्रक्रिया है वो मैंने अपने वीडियो में बना दिखा रखा है, और सारी चीज़ें दिखा रखी है उसमें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा पूरा, और आप देख सकते हो। और फिलहाल बारिश का मौसम है, तो जिसकी वजह से ये पानी इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मछलियाँ थी पर दिखाई नहीं दे रही हैं, तो यहाँ पे सावधानी पूर्वक जाना पड़ेगा। और ये है हमारे राजेश सर, जो यहाँ पे देखने आ रखे हैं यहाँ पे। और ये है तिरुवा सर, इसमें जो कूड़ा आ गया वो साफ हो। तो कितने, अच्छा अच्छा, काई जमा हो रही है, काई देखिए मछलियाँ ऊपर भी तो आ रही है। तो ये यहाँ पे पानी का स्रोत है, ये पानी का स्रोत है, यहाँ फिल्टर लगा हुआ ऊपर की साइड। तो आजकल मछली का दाना यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा नहीं है इसमें मछलियाँ, छोटी छोटी मछलियाँ है। तो आप देख सकते हो ये ऊपर आ रही है मछलियाँ खाने के लिए, रुको। तो इसमें मछलियों को चारा डालने के लिए, गंदगी निकालने के लिए और मछलियाँ निकालने के लिए ये बनाया गया है, ये हाथ से बनाया गया छन्नी है, और यहाँ पे चारा भी रखा हुआ है। तो पूरी प्रक्रिया है जिस प्रकार से यहाँ पे मछलियों का पालन हो रहा है, मछली पालन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी वीडियो दिखाई थी कि इसमें कैसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किस प्रकार से बन रहा है, नेपाली लोग लगे हुए थे इसमें। तो ये सबसे पहले ये इस टाइप के चैम्बर बनाए गए हैं इसमें पूरे, और ये चैम्बर बहुत सारे चैम्बर हैं। तो पानी का स्रोत ही है यहाँ से, ये ऊपर से पानी आ रहा है, ऊपर से पास में नदी है, तो यहीं पे उन्होंने यहाँ से ला रखा है पूरा पानी का, और यहाँ पे थोड़ा फिल्टर होता है पानी, उसके बाद यहाँ से आता है। तो उस प्रकार से बना, और ये है पानी। तो ये जाली लगाई गई है, तो बाद में फिर से ऊपर से जाली लगाई जाएगी, क्योंकि ऊपर से जैसे पक्षी वगैरह आते हैं, तो यहाँ पे ये लगाया गया है पूरा, कि वहाँ ऊपर से ना दिखाई दे, ऊपर से रोड से। तो फिलहाल जो पानी का जो कलर है ना, वो गंदा हो रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पाइप भी लगाए गए हैं, क्योंकि जो पानी है ना, जो साफ पानी वहाँ से आ रहा है, और यहाँ से पानी, हाँ ये नलके का पानी अलग से डाल रखा है। तो पानी गंदा है, जिसके वजह से नीचे मछलियाँ हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि मछलियाँ तो अंदर हैं, अंदर की साइड तो दिखाई नहीं दे रही। जैसे हमने चारा डाला ना, चारे में ऊपर आने लगे, वो खाने के लिए ऊपर आने लगे थे, है ना सर, वो ऊपर आने लगे, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दिखाई दे रही है ऊपर की साइड। तो वैसे तो है नहीं, मछलियाँ बहुत कम है वैसे, तो चैम्बर ज़्यादा हो गए, मछलियाँ कम हो गए। तो फिलहाल 1-2 साल लगेंगे इसे पूरा भरने के लिए, तो एक
एक दो साल में ये पूरे भर जाएंगे। तो ट्राउट मछली होती है, तो काफ़ी बड़ी होती है, साइज में आधा किलो पौने किलो की होती है। तो ये हाँ, तो मतलब पूरा डेवलप होने में से 2 साल लगेंगे, पूरे 2 साल में ये पूरा डेवलप हो जाएगा और सारे जितने भी चैम्बर हैं ना उनमें सारे में मछलियाँ होंगी। यही पे है ना फिलहाल, दिखाई नहीं दे रहे। आ गया तो पोस्ता दे रखा है, पूरा पोस्ता दे के और यहाँ पे चैम्बर बना के। ये ईंटों का नहीं है, ये सिर्फ वो करके, ये सीमेंटेड है पूरा, ये ग्रूटिंग करके और साथ में वो करके बनाए जाए। तो यहीं पर ये नदी भी है। आजकल तो इसमें थोड़ा सब्सिडी भी दी जा रही है ना, गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है, तो 100% इसमें सब्सिडी दी जा रही है। तो अच्छा है, मतलब किसी किसी लोगों को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को दिया जाए। हाँ, समूह में देते हैं, लेकिन समूह में मतलब किसी एक व्यक्ति का, मतलब पर्टिकुलर एक आदमी का नहीं है, मतलब हाँ 10-12 उनके रोजगार के लिए। हाँ, उनके रोजगार के लिए, जैसे गांव में रोजगार नहीं होता तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई है कि गांव में भी व्यवसाय चलाया जा सकता है। मौसम थोड़ा ख़राब सा लग रहा है, बारिश हो सकती है, तो अभी इसमें काफ़ी काम बचा हुआ है। ऊपर से अभी जाली लगनी है, इसका दाना है, ये बना रखा है पूरा दाना, जैसे हमारे घरों में एक्वेरियम होते हैं उसी प्रकार का ये खाना बनाया गया इनके लिए, जो पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं जो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें केमिकल होंगे, थोड़ा ऑर्गेनिक चीज़ें होंगी और साथ में थोड़ा दवाई होगी जो इनके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो हर चैम्बर के लिए अलग नल लगाए गए हैं। आप अपने घर में भी इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, साथ में गवर्नमेंट भी काफ़ी साथ देती है लोगों किसानों का। तो आप नेट पर सर्च कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को घरों में जैसे गांवों में व्यवसाय करने के लिए दी जाते हैं, जैसे पॉली हाउस में काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है और पशु जानवरों को पालने में डेयरी में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है लोगों को। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो ये लगाए गए हैं ये चीज़, तो यहाँ पे ये बंद कर रखा है, पूरा जाली लगाई गई है और जाली लगाने के बाद यहाँ पे ये पूरा जाली लगाई गई है। अभी ये फ़िलहाल ये 2 भरे हुए हैं, इस वाले में मछली हैं, इसमें नहीं है और ये अभी भरने बाकी हैं। तो चलते हैं ऊपर की साइड, फिर मिलते हैं।